दिव्यांग अपने हैं, हमारे बीच के हैं। तो हमने इस चिकित्सालय में पहले से भी कई चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन जो कुछ चीज़ें हमने नई शुरू की वो ये है कि हमारे अपने जो केंद्रीय दिव्यांग बोर्ड है उसके जो सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा वो आए थे, तो उन्होंने कुछ हमसे डिस्कशन किया। इमीडिएट हम लोग के मन में 5-6 चीज़ ऐसे हैं कि जो हम लोग आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो हमारा जो सरसुंदरलाल हॉस्पिटल का जो ऐप है, उस ऐप में पहले 5 जो पेशेंट्स के स्लॉट हैं वो दिव्यांगजनों के हैं, वो लोग उसको बुक करा सकते हैं किसी भी दिन किसी भी समय। दूसरा, जब वो आएंगे तो उनके लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर अंदर ओपीडी में नए रैम्स, जो पहले थे वो तो है ही हैं, कुछ रैम्स हम नए और बना दिए हैं, और वो ग्रिप रैम्स हैं, जो उनको पकड़ के भी दिव्यांग ऊपर आ सकते हैं, अगर चल नहीं सकते तो वो ट्रॉली फ्रेंडली और ये व्हीलचेयर फ्रेंडली रैम्स हैं विथ रेलिंग्स। जब ओपीडी के अंदर या पूरे वार्ड में दिव्यांगों के लिए एक अलग ढंग के जो कुर्सी होते हैं, जो बैठने की व्यवस्था होती है, तो उनके लिए हम लोगों ने जगह आरक्षित कर दी है। हम लोग प्रोसेस में हैं कि वो कुर्सियाँ भी आ जाएँ, जिससे दिव्यांगजन बैठ के जल्दी खड़े भी हो सकें, चल भी सकें, और अगर वो व्हीलचेयर पर हैं तो व्हीलचेयर वहाँ बीच में एडजस्ट हो जाए। फिर जब वो वार्ड में कभी एडमिशन हो जाएगा, वार्ड में जब आएंगे उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने पहला नंबर बिस्तरा सारे वार्डों में दिव्यांग के लिए रिजर्व कर दिया है। इसमें काफ़ी शुरू हो गई, जैसे ऐप बेस्ड सुविधा शुरू हो गई, रैम बन गए, दिव्यांगजनों के लिए जगह रिजर्व हो गया, उनके लिए ओपीडी में पहले 5 के स्लॉट रिजर्व हो गया, उनका बेड रिजर्व हो गया। जो नहीं हुआ है वो है अभी टॉयलेट्स, ये बनने शुरू हुए हैं, प्रोसेस में हैं, तो अगले 3 से 4 महीने इसमें लगेंगे।